दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ओरेंज हलवा के ऊपर। अभी हम अपडेट दे रहे हैं सनोली विलेज के बाईपास से, जो बैक साइड है सनोली विलेज के। आपको ऊपर की अपडेट दे देते हैं, ये ऊपर कितना काम हो गया है। शायद से पिछली बार जब हम आए थे तब पुल कनेक्ट नहीं था, क्या बताए इस बार पुल को कनेक्ट कर दिया हो। अभी बाउंड्री वॉल का ही काम चल रहा है। ये देखिए नया तारकोल का काम हुआ हुआ। अभी कनेक्ट नहीं किए हैं। कुछ हिस्सा पेंडिंग है अभी। की रफ्तार काफ़ी तेज है, इस हिसाब से ये अभी कम से कम भी इस पूरे पानीपत से लेके मुजफ्फर तक के सेक्शन को अभी फिलहाल एक साल का समय और लगेगा। बाकी पानीपत से शामली तक का जो सेक्शन है वो 3-4 महीनों में कंप्लीट होने वाला है। आप अगर इस साल की आने वाली सर्दियों तक आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा वो सेक्शन। Being एंड vlogger isn't easy man। आपको हर वो जगह जाना पड़ता है जहाँ पर आप वैसे नहीं जाते हो, सिर्फ और सिर्फ vlogging के लिए। और मैं इस रास्ते सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए आता हूँ। हालांकि मुझे 20-30 व्यू मिलते हैं मेरी वीडियोस पर, बट कोई बात भी नहीं, जितने भी लोग देखते हैं, अगर एक आदमी भी देख रहा है और अगर वो मेरी वजह से अपडेट है इस रास्ते पर, तो आई फील ब्लेस्ड कि हाँ मैं किसी को तो कुछ इन्फो प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। वो देखिए दोस्तों, सामने ताज़ा ताज़ा रोड बनी हुई, और जब हम पिछली बार आए थे तब ये रोड नहीं थी, तब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी थी। अब इस रोड पर चल के एक बढ़िया सी अपडेट देते हैं आपको। देखिए तारकोल का काम चल रहा है रोड के ऊपर,
और आगे भी तारकोल का ही काम चल रहा है। बढ़िया, बहुत बेहतरीन काम चल रहा है, बहुत बेहतरीन। बहुत बेहतरीन काम चल रहा है। तो ये हमने आपको रोड की अपडेट दिखाई। आगे से मैं यहाँ से नहीं निकाल के ले गया क्योंकि आगे काम चल रहा है, तो शायद से मेरी वजह से नई रोड पे बनती हुई पे दिक्कत आए। धूल काफ़ी है इस रास्ते पे, क्योंकि अभी ये पूरा बना नहीं है, बनने के बाद तो इसे एक बार साफ भी किया जाएगा। आप आलम देख सकते हैं धूप का, धूल और धूप ये दोनों ही इस समय इस जगह पर खूब है। अनसीन रोड पैचेस दिखाना ही मेरा मकसद है। ये देखिए दो नारियल, आगे शायद रोड का काम हो रहा है तो हमें यहीं से लेना पड़ेगा। और ये देखिए टोल बूथ के लिए टावर लगने चालू हो गए हैं। दोनों ही तरफ इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती थी कि आप सोच नहीं सकते, और अब जमीन बिल्कुल समतल है।
देखिए बीच में प्लांटेशन का काम भी कर दिया गया है। कुछ टाइम में ये पेड़ पौधे भी अलग ही रौनक बनाएंगे यहाँ की।